नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए, दर्शकों और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को समझने की जरूरत है कि कुछ शिक्षक हैं जो आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर गए, वहां जाकर विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि अजमेर कलेक्टर ने एक आदेश निकाला है जिसमें कोरोना वायरस को लेकर एक सर्वे फॉर्म है, उनको भरने के लिए, वो सर्वे कराने के लिए शिक्षा विभाग को कहा गया है। और शिक्षा विभाग ने ये जो आदेश है, या तमाम जो शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, उनको इस ड्यूटी के अंदर लगा दिया है सर्वे के अंदर। और इसीलिए इस तुगलकी फरमान का उन्होंने कहा है कि ये तुगलकी फरमान है और इसका वो विरोध करने के लिए आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। वहाँ पर उनका साफ तौर से कहना था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये घोषणा कर रहे हैं कि सबको घर पर रहना है, तो ऐसे में अगर शिक्षकों को लगाया जाता है तो ये घोर चिंता की बात है और ये तुगलकी फरमान के तौर पर शिक्षकों ने लिया है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है और जो समझने की भी जरूरत है कि देश में इस वक्त स्वास्थ्य का आपातकाल लगा हुआ है, हेल्थ इमरजेंसी वक्त लगी हुई है, और ऐसे समय में जितने भी सरकार की वो संस्थाएं हैं जो जिनकी जिम्मेदारी है, जो इस वक्त जिनको देश का सबसे बड़ा कर्तव्य निभाना चाहिए, ऐसी महामारी में लड़ना चाहिए, जुटना चाहिए, ऐसे में जब हमने देखा है कि जो आरोप अभी शिक्षकों ने भी लगाया है कि जो हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य विभाग था, वो प्रॉपर तरीके से सर्वे नहीं कर पाया था, और इसके लिए मुख्यमंत्री ने अजमेर के कलेक्टर को फटकार भी लगाई थी क्योंकि वहां पर गलत आंकड़े आए थे। और ये खबर हमने भी पहले बताया था कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग गलत जानकारी दे रही है, आंकड़ों के अंदर लापरवाही बरत रही है, और उसी के चलते अब ये कोशिश सरकार ने की है कि अब स्वास्थ्य विभाग से सर्वे ना करवाया जाए, उनके बजाय जो शिक्षक हैं उनसे सर्वे कराया जाए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है शिक्षकों ने अपनी सेवाएं दूसरे बहुत सारे पर दी है, और इसीलिए सरकार ने इस बार ये कोशिश की है कि भाई शिक्षक घर घर जाकर सर्वे करें, जिससे कि उनको एक सही रिपोर्ट, सही जानकारी कोरोना महामारी को रोकने में मिल सके और उसके लिए बचाव कर पाए। लेकिन एक यहाँ पर बहुत गंभीर आरोप प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के ऊपर शिक्षकों ने लगाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से कोरोना बचाव के लिए उनको कोई उपकरण नहीं दिए गए हैं, यानी कि मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजें उनको नहीं दी गई हैं। उसके साथ साथ जब वो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आते हैं तो यहाँ पर कौन अधिकारी किस प्रकार का किट शिक्षकों को उपलब्ध करवाएगा, ये तक की यहाँ पर कोई व्यवस्था उचित नहीं थी और उसको लेकर उनमें नाराजगी है। और एक जो संगठन शिक्षकों का है, उनका ये भी कहना है कि इस तरीके से अगर कोई भी फैसले ऐसी महामारी के दौरान लेने हैं तो पहले डीएम को, तकरीबन जो शिक्षक संघ के नेता हैं, उनको बुलाना चाहिए, उनसे बुलाकर बातचीत करनी चाहिए, राय जाननी चाहिए पहले कि क्या वाकई शिक्षक जो है वो डोर टू डोर जाकर सर्वे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए अगर करते हैं तो क्या क्या उचित साधन उनको चाहिए। इसको लेकर उनका कहना था कि इस पर पहले राय लेनी चाहिए थी, एक बैठक करनी चाहिए थी, ऐसे ही डायरेक्ट सीधे तौर पर फरमान जारी करना, इसको तुगलकी फरमान के तौर पर बताया है। लेकिन जैसा आपको, दर्शकों को और सबको ये पता है कि कोरोना महामारी कितनी दुनिया के अंदर वैश्विक महामारी घोषित हो चुकी है, और इससे लड़ने के लिए मुझे लगता है जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, उन सबको आगे आना चाहिए और देश हित के अंदर सबको काम करना चाहिए। ये समय, इस समय ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तय करने के लिए बैठे, लेकिन देश के प्रति अपनी जवाबदेही, जिम्मेदारी, कर्तव्य को समझते हुए सबको अपना काम करना चाहिए। पूरी स्टेट्स में कोरोना वायरस एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है, और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने ये बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और कल 22 मार्च को इसीलिए हम लोग पूरी तरह सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अंदर ही रहेंगे, और उस समय सैटरडे को ये आदेश निकलता है कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो टीचर्स के लिए फरमान जारी कर रहे हैं कि हम लोग घर घर जा कर के ये सर्वे करेंगे। देन वाई वी पीपल आर गोइंग टू गो फॉर द सर्वे? पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनको लीजिए, लेकिन टीचर्स को बार बार क्यों जगह? और सीधी सी बात यह है कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ये सर्वे दे दिया गया है, और सर्वे में ऐसी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर आई थिंक बिना, विदाउट एनी ट्रेनिंग, आई थिंक जो मेडिकल और पैरामेडिकल वाले भी हैं उनको भी थोड़ा बहुत एहतियात रखना पड़ेगा, उनको भी पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन हमको एकदम से आदेश मिल गया कि आप जाइए और वहां पर सर्वे करके आइए कि कौन कौन कोरोना ग्रस्त है। तो सर ये चीज़ मतलब दिस इज इररेस्पॉन्सिबल, दिस इज हाईली इररेस्पॉन्सिबल एक्ट, हाईली इररेस्पॉन्सिबल। कोरोना फैलाने के लिए आई एम शिप्रा शर्मा फ्रॉम फॉय सागर स्कूल। कोरोना वायरस के सर्वे में अजमेर जिले के सभी शिक्षकों को लगाया गया है। चिकित्सा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर के निर्देश पर पूरे जिले में
मेडिकल टीम ने सर्वे किया, जनता ने सहयोग नहीं करने के कारण मेडिकल जो सर्वे था वो सही नहीं आ पाया। उसको निमित्त जिला कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को यह आदेश दिया कि शिक्षकों को लगाया जाए। प्रशासन शिक्षक इस बात का विरोध करता है कि पहले तो जो आदेश रात में निकाले गए आदेश निकाले और शिक्षकों को कहाँ उपस्थिति देनी है और किस प्रकार का किट और सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उनका कोई अता पता नहीं। नया अधिकारी है मौजूद है, सैकड़ों शिक्षक यहाँ पहुँच चुके हैं लेकिन यहाँ किसी प्रकार की उनको कोई जानकारी नहीं कि कौन सा किट मिलेगा, कहाँ सर्वे करना है, क्या केवल आदेश निकाल के चल गए। तो मैं शिक्षक संगठन के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ जिला कलेक्टर महोदय से कि जनता से अपील करें, पूरे शहर में पूरे ज़िले में अपील करवाए, मेडिकल टीम से पुनः सर्वे करवाया जाए। शिक्षकों को जब जनता सहयोग नहीं कर रही थी पूर्व में मेडिकल टीम को तो शिक्षकों से कहाँ उम्मीद की जा सकती कि सर्वे सही आएगा। तो मैं हमारी संगठनों की मांग है कि वापस मेडिकल टीम को ही उस कार्य में लगाया जाए और शिक्षकों को इस कार्य से मुक्त रखा जाए क्योंकि पूरे प्रदेश में पूरे कहीं भी इस प्रकार के शिक्षकों के आदेश नहीं हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री महोदय जहाँ भी हैं ये चाह रहे हैं कि व्यक्ति आइसोलेटेड रहे, घर में रहे, फिर इस प्रकार के एक साथ आदेश निकालना न्यायचित नहीं लगता है। विष्णु सिंह राठौर, जिला अध्यक्ष राजस्थान। आज आपने क्या किया? शिक्षा अधिकारी से मिलने आए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से मिलने आए हैं कि इस प्रकार के आदेश निकालें। हम विरोध प्रदर्शन करते हैं कि न तो यहाँ कोई सुविधाएँ हैं, न कोई हमारे जो अधिकारी हैं मौजूद था तो सारे कर्मचारी यहाँ एकत्र हुए हैं। क्या गारंटी? नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकेंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।